क्या आप जानते हैं कि अगर आपके दिन की शुरुआत सुबह अर्ली मॉर्निंग से हो जाए एंड उस अर्ली मॉर्निंग में आपको एक कप में मीठी सी चाय मिल जाए और उसके बाद आप फ्रेश हो के नहा धो के एकदम सही से कपड़े पहन के अपने बालों को सेट कर लोगे और उसी के साथ साथ आप अपनी एक्सेसरीज लाइक वॉचेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें पहन लोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको परफ्यूम भी लगा के रेडी होना है और रेडी होने के साथ ही आप अपना काम का और दिन भर का स्केड्यूल बनाने बैठ जाओगे। इसी के साथ साथ अगर आपके हाथ में एक सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रोथ वाली कोई हाथ में बुक हो, आप उसके 4-5 पेजेस रीड करके अपने काम वाले टेबल या डेस्क, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे पूरी निष्ठा से, पूरे कॉन्फिडेंस से एंड अच्छे से सर्व करने की नीयत से चले जाओगे, तो आपके दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आकिफ अहमद ब्लॉग्स। एंड आज का जो दिन हमारा शुरू हो रहा है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एंड उसके साथ साथ एक बहुत बड़े डिसीजन के साथ। तो वो डिसीजन क्या है, तो मैंने एक डिसाइड किया था कि हम लोग ट्रेडिंग के ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे हमारे टाउन में जो है बीड़ महाराष्ट्र में। एंड फाइनली 26 को हमारा एक सेमिनार हमने रखा है, फ्री 1 डे सेमिनार इसी को लेके। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा नर्वस एंड मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं मेरे, क्योंकि करना क्या है वो तो पता है बट कैसे करना है ये अभी भी फिगर आउट करना है, बिकॉज हमको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। एंड इस सारे डिसीजन में एक दो चीज़ें लाइक बहुत इजीली मेरे फेवर में हुई है बट बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो लेटर ऑन हम लोग ये देखेंगे कि क्या स्ट्रगल्स हमको देखने को मिला है, बट एक मैं आपको अगर हिंट दूँ तो जो जगह ढूंढने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा वाट लगी यू कैन से। तो कुछ इस तरह से हमारा जो एग्जीक्यूशन हुआ वो स्टार्ट हो गया है एंड आज मैंने ऑलमोस्ट सभी को, मतलब जितना मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सभी को मैंने अपना जो बैनर मैंने बनाया था, ये बैनर आप यहाँ पे देख लेना, तो ये बैनर मैं सबके साथ शेयर करूँगा एंड जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आ सकते हैं। मैं लोकेशन भी आपको बता ही देता हूँ, तो बशीरगंज ऑपोजिट टू हेड पोस्ट ऑफिस, हमारा एक ऑफिस है कज़िन का जिसका नाम है सबा कंप्यूटर्स, ऑफ कोर्स हमारी जो होटल है वो और ये साइड ही है, तो उसके बाजू में ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 26 को 11 बजे से आप लोग आ सकते हैं और वहाँ पे हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट हाउ टू अर्न डेली वेजेस, हाउ टू अर्न डेली मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट से डेली कैसे पैसे कमाए, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा जो बैच है वो भी बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से, तो मज़ा आएगा। तो मिलते हैं, अगर आप आने वाले हो तो बशीरगंज आ जाना, मिलेंगे। एंड इतना धीरे धीरे बात करने का यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कुछ नया स्टार्टअप करना है, नया बिजनेस है, नई क्लासेस है, बट स्टिल वो एक रहती है ना नर्वसनेस कुछ भी स्टार्ट करने के पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑल, बट अब इतनी यहाँ तक ला लिया है ऊपर वाले ने तो आगे भी लेकर ही जाएगा वो डेफिनेटली इंशाल्लाह। सो लेट्स सी, और अभी तो मुझे सीधा यहाँ से बैंक जाना है बिकॉज बैंक में एक अकाउंट ओपन करना है मम्मी के नाम से, जो हमारे पर्सनल रीजंस के लिए काम आएगा, लेटर ऑन हम उसको समझेंगे। और उसके अलावा कुछ हमारा जो सेटअप वेटअप है उसके ऊपर भी डिस्कस करना है, तो मिलते हैं कुछ देर में ऑन द वे। तो ये सारी चीज़ें करते करते अभी 11 बज गए हैं एंड मुझे बैठ के अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आज के लिए ट्रेड भी फाइंड आउट करना है, देखते हैं किस तरह से ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है।
और आज है फ्राइडे है, आज सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म करके हमको नमाज के लिए भी जाना है। सो एज़ यूजुअल आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे मैं अपने वापस स्क्रीन के सामने बैठ गया हूँ अपने ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए, एंड ट्रेड मिलेगा उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे, एंड नहीं मिलेगा तो आज नहीं करेंगे बिकॉज आज फ्राइडे है। तो आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग हमारे लिए डे होता है, एकदम चिल रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, वरना यूजुअली मैं फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करता हूँ बिकॉज जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो फ्राइडे वाले दिन काम नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स सी, लेट्स मीट यू आफ्टर थोड़ा सा टाइम। इंपॉर्टेंट अपडेट, जो हमने गिव अवे प्लान किया था तो वो गिव अवे का विनर हमको मिल गया है, एंड उसको आज डेफिनेटली हम लोग कुरियर करवा देंगे उनका जो गिफ्ट है, और कुछ एडिशनल भी हमारे साइड से हम लोग देने के लिए ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि क्या हम लोग कर पाते हैं, और आपको मिलेंगे एकदम आराम से रिलैक्स होने के बाद में। कल हम जो पार्सल करने वाले थे हमारा गिव अवे विनर को, वो रह गया था, तो आज उसको किसी भी कंडीशन में पार्सल करना पड़ेगा। तो पहले जाएंगे पार्सल करेंगे और उसके बाद में जो हमारे बाकी के काम है बैंक बैंक रिलेटेड वो भी कर देंगे, और मिलते हैं आपको शायद ऑन द वे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, एंड आज बाहर से ही खाना खाने का मूड है हम सबका, तो बाहर से ही लेकर आएंगे। तो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं मार्केट की तरफ जहाँ से हम खाना लेकर आने वाले हैं, और साथ ही साथ नमाज भी कहीं पढ़ लेंगे बिकॉज़ फ्राइडे है, आज डिले नहीं कर सकते नमाज को, आज किसी भी कंडीशन में जल्द से जल्द नमाज पढ़ लेनी है, और वापस से आपको मिलेंगे अभी सीधा घर पे जाने के बाद। तो गाइस अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग, एंड एक बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमको देखने को मिला है, एंड बहुत से लोगों ने रजिस्टर किया है इसके लिए, इतना तो मेरे एक्सपेक्टेशंस के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। तो 17 लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं, पोस्ट डाल के हार्डली 5-6 घंटा ही हुआ है। सो आई एम होपिंग कि ये नंबर और जल्दी और अच्छे से बढ़ जाए। तो शाम के वक्त हम लोग निकले थे दावत में जाने के लिए, एंड यहाँ पे पता नहीं कोई नेता अभिनेता आए थे जिनका बहुत ही बड़ा कॉन्वॉय यहाँ से जा रहा था, एंड ये मैं हाफ ही शूट कर पाया हूँ, इसके पहले वाला जो हाफ है वो कैमरा निकालने तक मिस हो गया है। अभी दावत से जस्ट खाना खा के निकले एंड हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा एक राउंड वॉक मार के आएंगे, एंड थोड़ा सा दूर जाने का प्लान है। सही हो गया। सो गाइस अभी हम एक यहाँ पे चीज ट्राई करें क्रीमी अनियन के साथ में, चाय में डुबा के हम लोग खाएंगे, ये भी ट्राई करेंगे हम लोग, हाउ डज इट टेस्ट। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुछ भी गंदा गंदा खा रहे हम लोग। फ्रिज क्या लेने का सर, बोलो ना क्या चाहिए। चिक्की हेजलनट। तो यहाँ की हेजलनट चिक्की जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट है। तो चाय और चिक्की खाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं मेरे अपने दोस्तों के साथ, और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन बड़ी राजा होटल का। सो वहाँ से आने में थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया, एंड आने के साथ ही मैं स्क्रीन के सामने बैठ गया था, और अभी सब लोग सो गए हैं इसके लिए ये स्क्रीन की लाइट में ही धीरे धीरे से व्लॉग करना पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।